नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं हायर के डीप फ्रीजर के जो वायरिंग होता है उसके बारे में आप लोगों के सामने बात करूँगा। हायर डीप फ्रीजर के वायरिंग किस तरीके से होता है आज मैं आप लोगों के सामने वायरिंग करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हायर के जो डीप फ्रीजर है उसमें जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें 3 बटन होता है या फिर 2 बटन होता है। तो उसमें एक पुश करने से उसका जो OLP होता है, OLP में डायरेक्टली लाइन पहुंचता है, थर्मोस्टेट बाईपास हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। और इसका जो पावर के बटन है, पावर के बटन भी हमेशा ग्लो करता है। और जब भी कंप्रेसर को लाइन दिया जाता है तो ये जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट जलता है। तो इसके वायरिंग किस तरीके से होता है इसके बारे में आज मैं आप लोगों के सामने डिटेल में इसका वायरिंग करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइबर बटन को प्रेस कर दे और साथ में दिए गए घंटे को ऑल कर दे, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करो तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे। तो दोस्तों देखिए, एक डीप फ्रीजर जो होता है, डीप फ्रीजर में बहुत सारे कंपोनेंट होता है। उसमें होता है पावर प्लग, थर्मोस्टेट, कंट्रोल पैनल, OLP, कंप्रेसर, स्टार्ट रिले, कंडेंसर फैन, डोर लैंप और डोर स्विच, ये सब होता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो प्लग के फेज लाइन है, फेज लाइन से आकर थर्मोस्टेट के जो L है, L में ये जुड़ेगा। L जुड़ने के बाद इसका जो लाइन है वो डायरेक्टली एक लाइन इसमें जाएगा, जो कि ये कंट्रोल पैनल है। कंट्रोल पैनल के जो पावर की लाइट होती है उसमें जाएगा और एक न्यूट्रल जाएगा। और ये जो ग्रीन लाइट है, ग्रीन लाइट जब भी कंप्रेसर ऑन होगा तब भी वो ग्लो करेगा, वरना ग्लो नहीं करेगा। जब तक कंप्रेसर लाइन नहीं आएगा कंप्रेसर तक, उस तब तक वो ग्रीन लाइट नहीं जलेगा। अगर ग्रीन लाइट जलता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि ग्रीन लाइट तक या कंप्रेसर की जो OLP है, ओवरलोड है, उस तक लाइन पहुंच चुका है। अगर कंप्रेसर किसी भी कारण स्टार्ट नहीं होता है तो आप ये स्टार्ट रिले, OLP और कंप्रेसर को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये समझने के एक आसान तरीका है। तो दोस्तों आइए, इसकी वायरिंग कैसे होती है इसके बारे में भी आप लोगों के सामने वायरिंग करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों देखिए, थर्मोस्टेट का जो सी लाइन होती है, सी से होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर के लिए ये जो सी लाइन देता है, सी लाइन डायरेक्टली OLP पे आकर लगेगा। और ये जो सी का लाइन होता है, इसमें से एक लाइन निकल कर आएगा जो कंप्रेसर की ग्रीन लाइट होता है, जो कि कंप्रेसर ऑन होने में ग्लो करता है। इस जगह आके एक फेज लाइन इस पर जुड़ेगा, ताकि जब भी थर्मोस्टेट कंप्रेसर को लाइन देगा तब भी ये लाइट ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, वरना नहीं करेगा। और इसमें एक न्यूट्रल लगेगा अलग से, ताकि इसमें फेज न्यूट्रल बन सके, इसका सर्किट बन सके। जब भी इसमें फेज आकर लगेगा, लाइन लगेगा, तब भी ये लाइट ग्लो करेगा, न्यूट्रल डायरेक्टली इसमें दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसका वायरिंग होता है। तो इसका फुल वायरिंग कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो फेज स्विच पे निकल कर आया है, इस स्विच में 4 तरह की, ये 4 पिन का स्विच होता है। एक में न्यूट्रल लगेगा, 2 में फेज लगेगा, और ये जब स्विच पुश होगा, पुश होने के बाद इसमें से एक फेज बाईपास होकर डायरेक्टली कंप्रेसर के थ्रू ये जाएगा। और ये जो L और कंप्रेसर की OLP होती है, ए लाइन डायरेक्टली शॉर्ट होगा, शॉर्ट होने के बाद कंप्रेसर को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों, ये जब भी थर्मोस्टेट ख़राब हो जाता है, थर्मोस्टेट ख़राब होने की वजह से कंप्रेसर कभी कभी स्टार्ट नहीं लेता है, और इसे सी से लाइन पास नहीं होता है, पास न होने के कारण ये जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है। तो दोस्तों, जो हायर के फ्रिज होता है उसमें भी एक लाइट होता है, उस लाइट को पुश करने से वो अंदर की तरफ चला जाता है और वो लाइट ग्लो करने लगता है। तो दोस्तों, जब भी ग्लो करता है तब भी ये थर्मोस्टेट डायरेक्टली बाईपास होता है, बाईपास होने के बाद ये कंप्रेसर डायरेक्टली ऑन हो जाता है। तो दोस्तों, ये है एक तरीका है थर्मोस्टेट ऑटोमेटिक करना, इसे डायरेक्टली स्टार्ट करना। तो आप इसे पहचान सकते हैं कि ये थर्मोस्टेट ख़राब है। अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है कि ये लाइट ग्लो नहीं होता है, तो आप इस पुश बटन को
पुश कर सकते हैं। पुश करने के बाद आप डायरेक्टली ये कंप्रेशर स्टार्ट हो जाएगा और आप समझ सकते हैं कि ये थर्मोस्टेट ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद देखिए, इसके बाद जो कंप्रेशर वायरिंग है, कंप्रेशर में फेज लाइन आएगा, फेज लाइन वो वायरिंग करके अभी दिखाऊंगा, और इसके बाद ये जो पूरा प्रक्रिया होती है उसके बारीकी से एक एक करके आप लोगों के सामने दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये हो गया कंप्रेशर कमांड लाइन। उसके बाद देखिए जो एल होता है, एल से डायरेक्टली जो पावर की लाइट होती है, पावर की लाइट पे आएगा, तो इसका जो पावर की लाइट होती है, पावर की लाइट हमेशा ग्लो करेगा। जब भी इसके प्लग पावर के साथ जुड़ा जाएगा तब भी ये बटन ग्लो करने लगेगा और आपको समझ आएगा कि ये पावर की लाइट जल चुका है, मतलब ये पावर इसमें है। और उसके बाद इसमें जो लाइन बाईपास कैसे होता है डायरेक्टली, ये पुश बटन कैसे काम करता है, इसकी वायरिंग भी अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों जब भी आप इस बटन को पुश करोगे, पुश करने के बाद इसका जो लाइन है वो लाइन बाईपास हो जाएगा, एल डायरेक्टली ओएलपी पे आएगा और कंप्रेशर को स्टार्ट कर देगा। तो दोस्तों ये जो पुश करने के बाद इसका लाइन ऑटोमेटिकली बाईपास हो जाता है। अगर आप इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो फिर इसे दोबारा प्रेस करिए, वो ऊपर की तरफ निकल कर आएगा, तो ये बाईपास छोड़ देगा। तो दोस्तों अभी देखिए जो थर्मोस्टेट का एच है, एच से होल्डर या फिर आप डोर स्विच कह सकते हैं जिसे लाइन दिया जाता है, तो दोस्तों उसमें से देखिए जो एच का पॉइंट है, एच के पॉइंट में से ये डायरेक्टली डोर स्विच को लैंप कनेक्शन जाएगा एक प्रांत में, और एक प्रांत से जो डोर लैंप है डोर लैंप के फेज तक जाएगा, और बाकी जो एक प्रांत खाली रहेगा उसमें सारे कंपोनेंट में एक एक करके न्यूट्रल को जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों एक रह गया कंडेंसर फैन। कंडेंसर फैन जब भी कंप्रेशर को लाइन देगा उसी टाइम ये कंडेंसर फैन चलना शुरू कर देगा, कंप्रेशर और कंडेंसर फैन एक ही साथ चलेगा। तो दोस्तों उसके बाद जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल डायरेक्टली रिले पर कनेक्शन होगा। रिले में से एक लाइन कंप्रेशर के जो स्टार्टिंग पॉइंट है स्टार्टिंग में जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद जो रिले है, रिले शॉर्ट होकर स्टार्टिंग वाइंडिंग में लाइन देगा, लाइन देने के बाद कंप्रेशर स्टार्ट होगा। और दोस्तों आप चाहते हैं तो इस जगह एक स्टार्टिंग कैपेसिटर या फिर रनिंग कैपेसिटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो दो पॉइंट है रिले के, उसमें चार पॉइंट होते हैं या फिर तीन पॉइंट होते हैं, दो पॉइंट में आप जो कैपेसिटर के दो वायर है, दो वायर को उसमें कनेक्शन कर सकते हैं, तो भी इसका जो स्टार्टिंग और रनिंग कैपेसिटर का कनेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका और वायरिंग बाकी है, वो भी मैं बारीकी से आप लोगों के सामने अभी दिखाता जाऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए न्यूट्रल डायरेक्टली जाके बल्ब में कनेक्शन हो गया, तो डोर स्विच जब भी इसका पुश होगा उस तरफ से फेज निकलेगा और इस तरफ से जाके न्यूट्रल बल्ब को लैंप को ग्लो करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से इसका वायरिंग होता है, और इसका जो एक वायरिंग बाकी है वो होता है फैन की वायरिंग। दोस्तों अभी तक फैन में सिर्फ फेज लाइन तक ही आया है, इसका न्यूट्रल अभी तक इसमें वजूद में नहीं आया, तो उसका भी अभी कनेक्शन करना पड़ेगा, और उसके बाद इसका जो फुल वायरिंग है, वायरिंग कंप्लीट होना तय है। तो दोस्तों अभी फैन के लिए एक न्यूट्रल तार जुड़ा जाएगा, न्यूट्रल जुड़ चुका है, तो ये फैन का कनेक्शन भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, एक तरफ से न्यूट्रल एक तरफ से फेज। जब भी कंप्रेशर को स्टार्ट देगा या फिर थर्मोस्टेट से लाइन कंप्रेशर की तरफ निकलेगा, तब भी ये फैन और कंप्रेशर एक ही साथ वो चलना शुरू कर देगा। तो दोस्तों उसके बाद जो पैनल कंट्रोल है, पैनल कंट्रोल के जो छोटे छोटे दो बल्ब है उसके लिए एक न्यूट्रल जुड़ा जाएगा, दो बटन के लिए दो न्यूट्रल उसमें जुड़ा जाएगा, तो ये सर्किट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका वायरिंग कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार आपकी उलझन है, समस्या है या फिर दिक्कत है इस वायरिंग के लेके है, तो आप मुझे डायरेक्टली नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका सही से जवाब दूंगा। और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अच्छा लगेगा तो एक लाइक, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपकी सोशल साइट फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, आपके जितने भी साइट है आप उसमें इस वीडियो को शेयर करें, या आपके रिलेटेड जो भाई काम करते हैं उसको भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उस भाई इस वीडियो को अच्छी तरह जान के वो भी
इस फील्ड में अच्छी तरह काम कर सके, आपसे यही मेरा गुजारिश है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद, सेफ्टी से रहिए, ट्रैफिक रूल को मानिए और स्वस्थ रहिए।